बम्बोर में ईडीआई बिल्डिंग में घुसे एक और आतंकवादी के मारे जाने की खबर। अब तक दो आतंकवादियों की मौत की सूचना। सेना की गोलीबारी में मारा गया दूसरा आतंकवादी। बिल्डिंग के अंदर घुसे हैं जवान। बिल्डिंग में घुसे जवानों ने हर कमरे की तलाशी शुरू की। एक आतंकवादी के छिपे होने की है आशंका। आतंकवादियों के खिलाफ तीसरे दिन भी सेना का ऑपरेशन जारी। करीब 35 घंटे से ज्यादा तक लड़ाई हुई। अब तक 53 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। सोमवार की सुबह 6 बजे बिल्डिंग में आए थे आतंकवादी। पूरे इलाके की घेराबंदी के बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन है जारी। सेना के सूत्रों के अनुसार घाटी में घुसे लश्कर के 15 फदाइन एलओसी के नौगाम सेक्टर से घुसपैठ की आशंका। खुफिया एजेंसियों के अनुसार घुसपैठ के बाद आतंकवादियों ने बनाए 5 ग्रुप। हर ग्रुप में 3 से 4 आतंकवादी। हंदवाड़ा में खत्म किया गया आतंकवादियों का एक ग्रुप। दूसरे ग्रुप में के पंपोर मुठभेड़ में शामिल होने की आशंका। आतंकवादियों के 3 ग्रुप का अभी कोई अता पता नहीं। पीओके के प्रधानमंत्री रजा फारूक हैदर ने एलओसी के पास के इलाकों का दौरा किया। कहा पाकिस्तानी सेना के साथ हैं हम। जो आतंकवाद करते हैं उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत पैदा हुई। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जाता। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को बताया मानवता का दुश्मन। कहा हम चौकन्ना रहेंगे तो सफल रहेंगे। एक बन करके लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। आतंकवाद को खत्म किए बिना मानवता की रक्षा संभव नहीं है। पीएम ने कहा हम युद्ध से बुद्ध की ओर जाने वाले लोग हैं। तमाम बुराइयों को खत्म करने की अपील की। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दी चुनौती। कहा बीएमसी चुनाव में गठबंधन तोड़कर दिखाएं तब पता चलेगा क्या होता है शिवसेना का सर्जिकल स्ट्राइक। मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना की दशहरा रैली का आयोजन। उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण का किया समर्थन। आरएसएस के नए ड्रेस पर लालू यादव का ट्वीट। कहा हमने फुल पैंट्स पहनवा ही दी। भागवत ने कल उठाया गौ रक्षा का मुद्दा। बोले गौ रक्षकों के साथ कार्रवाई करने में एहतियात बरते प्रशासन। मुंबई के मुलुंड में रावण दहन के दौरान सियासी घमासान। बीजेपी सांसद गिरीट सुमैया के समर्थकों और शिवसैनिकों के बीच झड़प। गिरीट का आरोप घोटालों का खुलासा करने की वजह से माफियाओं ने कराया हमला। महिलाओं से की मारपीट। हमले के बाद बीजेपी नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे। मुंबई पुलिस से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। जिले के लाल किला मैदान में रामलीला कमेटी के वॉलंटियर्स ने वहां आए दर्शकों से मारपीट की। हमले में युवक का सर फूटा। मंदसौर में गर्मी के दौरान करीब 150 लोगों ने कुर्सियों से किया हमला और पथराव। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं। मुरादाबाद में रावण दहन के दौरान जानलेवा हादसा। जलता हुआ रावण गिरा उसकी चपेट में आकर एक युवक की मौत। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। प्रशासन ने 7 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में टला बड़ा हादसा। अंधविश्वास की वजह से रावण का पुतला जलाए जाने के बाद अवशेष के लिए मची लूट। बीकानेर में रामलीला मंचन के दौरान दर्दनाक हादसा। हनुमान का किरदार निभाते वक्त 62 साल के बुजुर्ग की मौत। असम के धुबरी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल। पत्थरबाजी में कई लोग घायल। यूपी के मुरादाबाद में शस्त्र पूजा के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फायरिंग की। 144 लगे होने के बाद भी नहीं माने कार्यकर्ता। पुलिस ने आयोजक और फायरिंग करने वालों के खिलाफ दर्ज किया 2 गिरफ्तार। फिरोजाबाद में विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा के दौरान हवाई फायरिंग। बड़ी तादाद में लोग मौजूद। टल गया बड़ा हादसा। ग्वालियर में भी विजयादशमी पर की गई शस्त्र पूजा। पुलिस फायरिंग में अधिकारी भी शामिल। दशहरे पर यूपी के कौशाम्बी में पारंपरिक कुप्पी युद्ध का आयोजन। 2 दिनों तक मान्यता के अनुसार लड़ती है राम और रावण की सेना। राजस्थान के धौलपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा। नदी में डूबने से 3 युवकों की मौत। धौलपुर में एक दूसरी घटना में NH3 पर मूर्ति विसर्जन के दौरान जानलेवा हादसा। ट्रैक्टर से कुचलकर एक युवक की मौत। छत्तीसगढ़ के धमतरी में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा। ओवरलोड ट्रैक्टर पलटने से 30 लोग गंभीर रूप से घायल। ग्वालियर में लेडी दारोगा की दबंग गई। स्कूटी सवार लड़की को थप्पड़ मारकर निकाल ली चाबी। बिहार के जहानाबाद में फल्गु नदी में पलटी नाव। कई लोग लापता। 2 शव निकाले गए।
दिल्ली के बुराड़ी में लोगों ने एक घर से सैकड़ों बोतल अवैध शराब पकड़ी, पुलिस के हवाले किया। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में 26 सितंबर को हुई थी 8 लाख रुपए की लूट, गुत्थी सुलझी, चार गिरफ्तार। दिल्ली में महिला से 10 लाख रुपए ऐंठने वाले दो शातिर गिरफ्तार, उसके अवैध संबंध से जुड़ी तस्वीर दिखाकर किया करते थे ब्लैकमेल। मऊ में पेट्रोल पंप के कैशियर से 15,000 रुपए छीनकर भागे तीन बदमाश, सीसीटीवी में कैद वारदात। बागपत में दो पुलिस वालों समेत पांच की हत्या, मौके के बाद यूपी के एडीजी क्राइम पहुंचे, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं। दिल्ली के जैतपुर में सड़क हादसे के बाद भीड़ ने फूंक दी कार, ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में दबंगों ने दलित युवक की हत्या कर दी, बुलाने पर नहीं गया था युवक, बस यही था उसका गुनाह। पंजाब के दो शहरों में दो दलितों की हत्या, मानसा और बक्सर में एक एक दलित की हत्या। राजस्थान के अलवर में बरेर गांव में बोरवेल में गिरी 6 साल की मासूम बच्ची, 170 फीट नीचे अटकी है मासूम की जान। यूपी के आगरा में एतमादपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत, जुलूस निकालने से रोकने पर किया पब्लिक ने बचाव। गुरदासपुर में नाजायज संबंध से रोकने पर महिला ने सास की हत्या कर दी, आरोपी की बेटी ने हत्या का राज खोला। आरोपी महिला और उसका प्रेमी हत्या के बाद से फरार, केस दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। जालंधर में सोमवार को हुई युवक की हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस के अनुसार दोस्तों नहीं पैसे के लिए ली जान, चार में से दो गिरफ्तार। झुंझुनू में 15,000 रुपए की रिश्वत लेते एएसआई और कांस्टेबल गिरफ्तार, सुसाइड के लिए उकसाना का केस, रफा दफा करने के लिए मांगी थी घूस। भीलवाड़ा में ज्वेलरी शोरूम से चार कर्मचारियों ने 1 करोड़ से ज्यादा का सोना चुराया, दो गिरफ्तार, 70 लाख रुपए की ज्वेलरी भी बरामद। हरियाणा के झज्जर में मारुति वैन में आग लगी, ड्राइवर झुलसा, शॉर्ट सर्किट से आग लगी। अलवर में गत्ते के गोदाम में भीषण आग, लाखों के सामान के नुकसान की आशंका। बंगाल के बशीरहाट में एक घर में घुसकर महिला से रेप, लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा। जबलपुर में बिल नहीं चुकाने पर अस्पताल ने महिला को बंधक बनाया, वृद्ध बच्चे को झोले में लेकर लोगों से महिला का पति मांगता रहा मदद। बोकारो में माओवादियों ने दानिया और डुबरी विहार के बीच रेल ट्रैक को उड़ाया, ट्रेनों की आवाजाही पर बुरा असर। अहमदनगर के भगवानगढ़ में इजाजत नहीं मिलने के बाद पंकजा मुंडे ने खेत में की सभा, समर्थकों की जबरदस्त भीड़। कल मंदिर में दर्शन के दौरान पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले हुए घायल, पंकजा मुंडे ने पत्थर मारने वाले आरोपियों को कहा आतंकवादी। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने आजम खान पर साफ निशाना, कहा उनसे पूरे देश को खतरा, उन्हें मंत्री नहीं जेल में होना चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का दावा, कहा मैं नक्सलियों के हिट लिस्ट में हूं, जेड प्लस सुरक्षा चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के कपूरथला में ट्रीटमेंट प्लांट का किया निरीक्षण, पर्यावरण प्रेमी संत बाबा बलबीर सिंह से मिले। जयललिता की खराब सेहत के बीच उनके करीबी पनीर सेल्वन संभालेंगे उनका कार्यभार, राजभवन ने सौंपे मुख्यमंत्री के विभाग। आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली भी होंगे साथ। कोयम्बटूर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता के लिए अक्षय पूजा, सेहत में सुधार के लिए प्रार्थना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में एक भी छुट्टी नहीं ली है, आरटीआई पर पीएमओ ने दी जानकारी। तेलंगाना में बनाए गए 21 नए जिले, 2 साल पहले बने राज्य में अब कुल 31 जिले हुए। गुरुग्राम की झुग्गी बस्ती में आग जलकर खाक हुए सैकड़ों आशियाने। गुरदासपुर के सरकारी अस्पताल में जोरदार हंगामा, इलाज के लिए पहुंचे कैदी ने शराब पीकर किया बवाल। दिल्ली में नकली सिक्के बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, सिक्के बनाने वाली मशीन के साथ 113 नकली सिक्के हुए जब्त। राजस्थान के कोटा में फांसी लगाकर महिला ने किया आत्महत्या, मायके वालों ने लगाया ससुराल पक्ष पर मारपीट का आरोप। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आबादी वाले इलाके में तेंदुए के घुसने से खौफ, वन विभाग ने पिंजरे में बंद किया। न्यूजीलैंड पर क्लीन स्वीप के बाद टेस्ट रैंकिंग में भारत नंबर 1 बना, ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों ने मनाया विजय का शानदार जश्न। विजयादशमी पर टीम इंडिया की बड़ी कामयाबी, इंदौर टेस्ट के चौथे दिन ही न्यूजीलैंड को मात दे दी, सीरीज पर 3-0 से किया कब्जा।
तीसरे और अंतिम टेस्ट में भारत ने न्यूजीलैंड को 321 रनों से हरा दिया। अश्विन की शानदार गेंदबाजी से न्यूजीलैंड हुआ पस्त। चौथे दिन भारत ने 216 रनों पर घोषित कर दी थी अपनी पारी। न्यूजीलैंड को दिया था 475 रनों का विशाल रनों का लक्ष्य। दूसरी पारी में चेतेश्वर पुजारा ने खेली 101 रनों की नाबाद पारी। गौतम गंभीर ने भी ठोका अर्धशतक। तीसरे और अंतिम टेस्ट में आर अश्विन की बेहतरीन गेंदबाजी, 13 विकेट लेकर बने मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी अश्विन को मिला। तीनों टेस्ट में अश्विन ने लिए हैं 27 विकेट। सीरीज गंवाने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन ने अश्विन की जमकर की तारीफ, कहा वही थे मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के हकदार। जीत के बाद कप्तान विराट कोहली को आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की गदा भेंट की गई। धोनी के बाद गदा पाने वाले दूसरे कप्तान बने कोहली। सीरीज फतह पर विराट कोहली बोले, हर खिलाड़ी ने जीत में दिया अपना अहम योगदान। दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद ट्रंप को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में घमासान, लेकिन अध्यक्ष ने सारे कयासों को किया खारिज। दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद मिशिगन में हिलरी की पहली रैली, रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप पर जमकर साधा निशाना। चीन में एक साथ चार बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा, एक साथ 22 लोगों की मौत, करीब 800 लोगों को बचाया गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में धार्मिक स्थान पर हथियारबंद हमलावरों ने फायरिंग कर दी, 14 लोगों के बाद 26 लोग घायल। पूर्वी अलप्पो में रूसी लड़ाकू विमानों ने फिर से आसमान से बरसाए गोले, कई परिवार बेघर और तबाह। अलप्पो से ड्रोन से ली गई तबाही की तस्वीरें, गैर सरकारी संगठन ने जारी किया तबाही का वीडियो। अमेरिका के टेक्सास में हाईवे पर भाग रहा संदिग्ध पकड़ा गया, 20 सवार पर उसे जख्मी करके पुलिस अधिकारी ने दबोचा। अमेरिका के मैरीलैंड में लूट के आरोपी ने 8 गाड़ियों को मारी टक्कर, फिर एक का कार से भाग निकला। चीन में अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर बनाया स्टंटमैन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, समंदर में 1 मिनट में किए 29 करतब। ब्रिटेन के मिल्टन कैलस में बिना ड्राइवर वाली कार का पहला ट्रायल, 2020 तक सड़क पर आ जाएगी बिना ड्राइवर वाली कार। दिल का दौरा पड़ने से शिल्पा शेट्टी के पिता का निधन, बॉलीवुड ने दी श्रद्धांजलि। वंडरफुल डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पर बायोपिक की शूटिंग शुरू, श्रद्धा कपूर निभा रही हैं किरदार। ट्विटर के जरिए अपने फैन से रूबरू हुए शाहरुख खान, उनके सवालों के बखूबी दिए जवाब। रामलीला में किरदार निभाने से नवाजुद्दीन सिद्दीकी को रोके जाने पर अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने जताया विरोध, हिंदू संगठन की स्वरा ने की निंदा।